चलिए बुलेटिन को विस्तार देते हैं। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। अब तक ये सब सिर्फ सुनते थे, लेकिन आजकल देश में जो हालात हैं तो यकीन होने लगा है कि पानी अब वाकई बड़ी जंग की वजह बन सकता है, जहां बुंदेलखंड से लेकर मराठवाड़ा तक इंसान और जमीन दोनों प्यास से मरने को मजबूर हैं। हर बूंद के लिए लग रही है जान की बाजी। जहां तो देश के 9 राज्यों में सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को फटकार लगाई है। सूखे को लेकर राज्यों की आधी अधूरी रिपोर्ट से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि लोग सूखे से मर रहे हैं और हम यहां पिकनिक के लिए नहीं बैठे हैं। गुजरात के बाद अब हरियाणा सरकार के वकील आधी अधूरी तैयारी के साथ कोर्ट में पहुंचे थे, जिस पर कोर्ट ने यह टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि जल्द ही मामले पर निपटारा होगा। हम आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं, जहां का लातूर इलाका पानी के लिए तरस रहा है, एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। हालात कुछ इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोग अब बूंद बूंद पानी को भी बड़ी सावधानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है वहां के हालात, देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। बूंद बूंद पानी की कीमत क्या होती है, कोई लातूर के लोगों से पूछे, उस गली से पूछे जहाँ पानी के लिए पहरा लगा है, उस माँ से पूछे जो अपने परिवार के लिए एक ड्रम पानी की जंग लड़ रही है। ये कहानी नहीं हकीकत है, और ये हकीकत है महाराष्ट्र के लातूर जिले की। मुंबई से 500 किलोमीटर दूर स्थित लातूर आज बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। सूखे की मार झेल रहे लातूर के लोग जहाँ दो बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, तो बोरवेल वालों की चांदी है। पानी पर मालिकाना हक जता रहे ये बोरवेल मालिक मन मुताबिक दाम पर पानी बेच रहे हैं। आप पानी सप्लाई करने जा रहे हैं? हाँ। ये पानी कहाँ से लाते हैं और किन लोगों को देते हैं आप? ये बोर में का पानी लाते हैं और घर घर में बेच देते हैं। बोर वाले इसको कितने में देते हैं आप लोगों को? हाँ? बोर वाले कितना में देते हैं ये पानी आपको? पानी बोर का अपना छे। अच्छा, ओके। अपन का छे पर बिकते हैं अपन। कितने पैसे में एक जाता होगा ये बॉटल? ये 25 रूपए। जितने लोगों को पानी की डिमांड है, क्या सबको पानी आप लोग दे पाते हैं? क्योंकि पानी तो कहीं नहीं है। नहीं, उतना नहीं है, जितना कलेक्शन होगा उतना ही दे सकते हैं। उतना ही दे पाते हैं आप लोग? तो बाकी लोग पानी कैसे पीते हैं? बाकी का अब मालूम नहीं ना, फिर भी दूसरी तरफ से मंगाते हैं, टैंकर वगैरह ऐसे मंगाते हैं। लातूर में पानी की किल्लत ने केंद्र और राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। केंद्र सरकार ने रेल के जरिए कृष्णा नदी से पानी भिजवाने का वादा कर रही है, तो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भी लातूर की प्यास को जल्द बुझाने का भरोसा दे रहे हैं। लेकिन पानी के लिए लातूर किस कदर प्यासा है, इसका एहसास इससे होता है कि अब यहाँ लोग बारिश की एक एक बूंद की कीमत भी बखूबी समझ रहे हैं। यहाँ पे ये जो आपको पानी भरते हुए बच्चे दिख रहे हैं, ये दरअसल छात्र हैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान लातूर के, ये सरकारी कॉलेज है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि टीचर्स भी खड़े हैं जिनके गाइडलाइन में ये पानी भर के, और इस पानी के बूंद बूंद का इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जो पौधे लगे हैं वो कहीं सूख न जाए, क्योंकि यहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। आइए जानते हैं, हमारे साथ श्री देवेकर जी हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये पानी कैसे यहाँ इकट्ठा हुआ था? ये क्या है, ये लो लेवल है रास्ते का, और रात में जो बरसात हो गया, कल 5 बजे से चालू हो गया था एक आधा घंटा, तो उसका पानी यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। और पानी यहाँ है और पेड़ यहाँ पर है, अगर यहाँ के यहाँ थोड़ा अगर मेहनत उठाए तो ये पेड़ बच सकते हैं। इसके लिए हमारा कोशिश है, बच्चे के साथ हमारा ये कोशिश चालू है। महाराष्ट्र के 16 जिलों के 16,000 गांव भीषण सूखे की चपेट में हैं। खासकर मराठवाड़ा इलाके पर सूखे की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। डराने वाली बात ये है कि जब अप्रैल में ये हाल है तो फिर जून तक क्या होगा। लातूर से सर्वेश कुमार, इंडिया 24/7। और चलिए हम भी ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं, जहां लातूर से सर्वेश कुमार हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, और झांसी से ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम सर्वेश आपका रुख करना चाहेंगे, आप वहां पर मौजूद हैं, यथास्थिति देख रहे हैं, और बड़ी ही विडंबना है कि किसवीं सदी में हम जी रहे हैं और तमाम विकास के दावे और वादे किए जा रहे हैं, चांद पर पहुंचने की बात होती है, लेकिन हकीकत यह है कि एक एक बूंद पानी के लिए जनता बहुत त्रस्त है, उनको मयस्सर नहीं हो रही है, यथास्थिति क्या है लातूर में इस वक्त?
देखिए आशुतोष, अगर ग्राउंड जीरो पे आके बात करें तो यहाँ की स्थिति बहुत ही बुरी है और किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हिंदुस्तान में भी खासकर महाराष्ट्र जैसी जगह पे इस तरह से पानी की किल्लत होगी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि यहाँ पानी लेने के लिए लोग 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर जाते हैं और एक घड़ा पानी भर के लेके आते हैं। वहीं 50 से 60 किलोमीटर की दूरी से जो टैंकर भर के आते हैं वो अपने मनमाने तरीके से पानी यहाँ भेजते हैं। प्रशासन के पास इतना पानी नहीं है कि वो जगह जगह सप्लाई कर पाए, गाँव में सप्लाई कर पाए। अब अंदाजा आप इस बात से लगाइए, अगर किसी भी ऐसी 20 जगहों पे जो पानी के स्रोत हैं अगर वहाँ पे धारा 144 लगा दी जाए तो स्थिति क्या होगी। जब यहाँ के लोगों से हम बात कर रहे थे, गांव के लोगों से हम बात कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि अगर अप्रैल में ये हालत है तो मई और जून में लोग पानी के लिए आपस में लड़ने मरने लगेंगे और इसी को देखते हुए प्रशासन भी एहतियात बरत रहा है। एक जो बड़ी उम्मीद की बात थी कि 7 तारीख को शायद यहाँ रेलवे की तरफ से पानी आ जाए, टैंकर भर के आ जाए। जब आज हमने रेल मंत्रालय में बात की और उनके अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि अभी जो उनके टैंकर तैयार किए जा रहे हैं पानी के लिए वो कोटा में है और उसका स्टीम वॉश हो रहा है क्योंकि उससे पहले उसमें तेल आता है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। और वो जब यहाँ से 8 तारीख को चलेंगे तो 10 तारीख को पहुंचेंगे जहाँ से पानी उनको लोड करना है, उसके बाद वो कहीं यहाँ पे आ पाएंगे। और दूसरी जो टैंकर की खेप आएगी वो आएगी 15 तारीख को वहां से निकलने के बाद 18-19 तारीख को। तो उसके पहले जो स्थिति है वो बहुत ही भयानक है आशुतोष, और यहाँ पे लोग भूत भूत पानी के लिए तरस रहे हैं। बिल्कुल सर्वेश, हम रुक कर लेते हैं ब्रजेश का भी। ब्रजेश, आपसे जानना चाहेंगे, बुंदेलखंड हमेशा सुर्खियों में रहता है सूखे को लेकर, हजारों करोड़ वहां तक पहुंचाए जाते हैं लेकिन दिक्कत कहां आती है, फिर भी जनता जो है प्यासी की प्यासी रह जाती है, पानी मयसर नहीं होता। सबसे ज्यादा अगर हम जानना चाहेंगे कहां दिक्कत सामने निकल कर आती है, पानी क्यों नहीं पहुंच पाता। देखिए बिल्कुल, अगर आशुतोष हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों प्रदेशों के 13 जिलों को मिलाकर के बनता है और इन 13 जिलों में कमोबेश एक जैसी स्थितियां हैं। हर जगह पर पानी के लिए विकराल संकट है, हर तरफ लोगों ने अपने मवेशियों को छोड़ दिया है क्योंकि उनके पास खुद के पीने का नहीं है तो मवेशियों को पानी कहां से पिलाएंगे। खेतों में पानी नहीं बचा, जो किसानी के लिए मतलब जो पानी की जरूरत है वो पानी नहीं बचा, घरों में पीने के लिए नहीं बचा, तो हालात बेहद ही बदतर है। और कहीं ना कहीं ऐसे में सवाल उन सरकारी योजनाओं को लेकर के है जो योजनाएं पानी की तरह पैसा बहाया गया केवल पानी के लिए, लेकिन यहां पर लोगों को आज तक पानी मिल नहीं पाया। जो भौगोलिक जो भूगर्भ स्रोत थे वो लगातार सूखते चले जा रहे हैं जिसकी वजह से जो पानी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, जितने हैंडपंप है वो सूख चुके हैं, नदी पोखर और तालाब सूख चुके हैं, तो हालात बद से बदतर है। जो अगर मैं बुंदेलखंड की बात करूं तो बुंदेलखंड में औसत वर्षा करीब 50 से लेकर 60 दिनों के बीच में होती है लेकिन वो सिमट करके 20 से 22 दिनों के बीच में रह गई है। तो समझ सकते हैं कि साल दर साल जो वर्षा का स्तर है वो लगातार गिरता चला जा रहा है और साथ ही जो सरकारी उपाय होने चाहिए वो यहां पर नाकाफी हुए। जिस तरह से चाहे बुंदेलखंड पैकेज हो या फिर दूसरी अन्य योजनाएं, इन योजनाओं के जरिए यहां पर पैसा तमाम आया, वो फिर चाहे जल संसाधनों के मतलब संचय के लिए हो, जल के संचय के लिए हो या जल संसाधनों के जो है नए सिरे से बनाने को लेकर के हो, लेकिन हकीकत यह कि हालात कुछ नहीं बदले और यही वजह है कि आज स्थितियां इतनी भयावह हो गई हैं कि बुंदेलखंड में अगर कहीं पानी दिखाई दे जाता है तो अपने आप में एक हैरत की बात होती है कि रेगिस्तान में जैसे कहीं पानी मिल जाए, वो हाल बुंदेलखंड का है। तो बुंदेलखंड में आज पानी देखने को नहीं मिलता, लोगों के प्रयोग करने की तो बात अलग है, तो स्थितियां बेहद ही भयावह है। सर्वेश, आपका रुख करना चाहेंगे, एक बड़े नेता को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि यहां पर बारिश नहीं हो रही है, सरकार इसमें क्या करे, यानी कि सरकार जो है बारिश के भरोसे है, सरकार को जनता चुनकर भेजती है ताकि वो उनके बुरे दिनों में काम आए और तमाम परिस्थितियों को समझते हुए वहां पर जो जरूरत है उसको मुहैया कराई जाए, लेकिन कहां कमी नजर आती है, खुदकुशी कर रहे हैं किसान, दिक्कत बहुत बड़ी है, जाहिर सी बात है इस पर संज्ञान लेना ही होगा। सर्वेश, देखिए आशुतोष, मैं बताऊं आपको कि नेता अपने बचने के लिए तमाम इस तरह के कसीदे कहते हैं और तमाम तर्क गढ़ते हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जो लातूर जिला है सियासी रूप से बड़ा ही समृद्ध है, ऐसा नहीं कि ये समस्या आज अचानक से आ गई है। आज से 8 से 10 साल पहले एक बार और पानी का संकट हुआ था, इस तरह से नहीं हुआ था लेकिन पानी का संकट आया था, तब बिलासराव देशमुख सीएम हुआ करते थे, उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये सारी व्यवस्थाएं कर दी जाएंगी, तमाम योजनाएं बनी, पानी के लिए पैसा आया, सब कुछ हुआ। आपको ये भी बता दें, आपको जान के हैरानी होगी कि 2 ऐसे डैम हैं जो यहाँ के लिए पानी सप्लाई करते हैं लेकिन एक डैम सूख गया, उसके बाद दूसरा जो डैम है उसके आसपास कम से कम ऐसे 15 कंपनियां हैं
जो उस पानी का शोषण करती हैं। और आज जब सब कुछ खत्म हो गया, अचानक से बूंद बूंद पानी के लिए लोग मोहताज हो गए, तो सियासतदान जितने भी हैं वो अपने बचने के लिए इस तरह से तर्क दे रहे हैं। लेकिन सच तो ये है कि ये सियासी रूप से समृद्ध होने के बावजूद और सब कुछ के बावजूद उसकी ये हालत हुई है, जिसके लिए सीधे सीधे नेता ही जिम्मेदार हैं। अगर नेताओं ने रहते हुए अपनी योजनाओं पे अमल किया होता, जो पैसा पास किया था उसको अगर लगाया होता, तो ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो लातूर है, लातूर के आसपास एक दो जिले और भी हैं जो इसी तरह से हैं, लेकिन लातूर की बात करें तो इसकी कंडीशन सबसे बुरी है। तो अगर नेता ये कहते हैं कि ये भगवान की दी हुई आपदा है, तो संक्षेप में लातूर में 144 धारा लगाई गई है, क्या उसका असर आपको नजर आ रहा है संक्षेप में? देखिए, ये 144 लगाई गई थी, वो शुरू में जब पानी को लेकर इस तरह की बात हो रही थी। फिलहाल शहर के ऐसे 20 स्रोत हैं जहां पे धारा 144 है, और प्रशासन इसको देखते हुए एहतियात बरत रहा है कि कहीं पे कोई दिक्कत ना हो। फिलहाल कोशिश ये है कि जितना जल्दी से जल्दी यहां पे पानी पहुंचाया जाए। अगर धारा 144 की बात करें तो 20 ऐसे स्रोत हैं जहां पे उसको लगाया गया है आशुतोष। बहुत शुक्रिया सर्वेश आपका, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो ये स्थिति है, यथा स्थिति ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए थे, और क्या स्थिति है आपको सब कुछ वहां पर उन्होंने बताया कि एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। सरकार दावे बेशक यहां पर कर रही है, लेकिन पानी उनको मैसर नहीं हो पा रहा है। आईपीएल को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, और आईपीएल का पहला मुकाबला 9 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला जाएगा, और मामले की अगली सुनवाई आपको बता दें कि 12 अप्रैल को होगी। पब्लिक एट लार्ज के लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। उन्होंने ये भी कहा स्टेट को कि उनकी विल उनको बतानी चाहिए कि जो ड्रॉट स्ट्रिकन एरियाज हैं उनके लिए उनके क्या कॉन्टिंजेंसी प्लान्स हैं। उसके लिए उन्होंने बोला है कि इंक्वायरी की जाए, स्टेट को डायरेक्शन दिया गया है कि इंक्वायरी की जाए इनटू द मैटर, और ये भी कहा गया है कि इंक्वायरी के बाद वो एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करें कोर्ट में, जो कि ट्यूसडे को होगा। आज कोर्ट ने पूरी तरह से हम लोग को सुना गया, सामने वालों से जवाब भी मांगा गया, जब सामने वालों ने काफी स्टेटमेंट्स भी दिए कि वो लोग पानी कहाँ से आता है उनको भी नहीं पता, और वाकई में पानी की कमी है। तो कोर्ट ने ये सबको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने ये कहा है कि कहाँ से उनको पानी मिलता है, स्टेडियम्स को कहाँ से टैंकरों को पानी मिलता है, और आप क्या कर रहे हैं राज्य सरकार, इस पर जवाब दीजिए। अब उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड के सियासी संकट पर आज भी नैनीताल हाईकोर्ट में कोई फैसला नहीं हो सका, और मामले की सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि बागी विधायकों के मामले में कल सुनवाई होगी। कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने जोरदार दलीलें दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अप्रोप्रिएशन बिल में डिवीजन नहीं होने को राष्ट्रपति शासन लगाने का मुख्य आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई विवाद नहीं हो सकता, और ना ही कोई डिबेट हो सकती है, और ना ही कोई संशोधन ही हो सकता है, इसलिए किस तरह से वोटिंग हुई वो इरेलेवेंट है। अप्रोप्रिएशन बिल में डिवीजन नहीं होने के मुद्दे को केंद्र सरकार ने मुख्य मुद्दा बनाया है राष्ट्रपति शासन लागू करने का। हमने कोर्ट को विभिन्न कानूनी तथ्यों, संसदीय प्रणालियों, रूल्स रेगुलेशंस के अंतर्गत ये सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि अप्रोप्रिएशन बिल में कोई विवाद नहीं हो सकता, कोई डिबेट नहीं हो सकता, और मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए उस पे किस प्रकार से वोट हो वो एक प्रकार से इरेलेवेंट है। दूसरा, हमने दलील की कि अगर गलती कुछ हुई भी है हाउस के अंदर, तो उसके लिए सिर्फ माननीय स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है। संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 212 के अंतर्गत इस पे कोई और टिप्पणी नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। बाहरी रिव्यू इन मामलों का प्रतिबंधित है। तो उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के दौरान तरह तरह की सियासी अफवाहें भी उड़ रही हैं, और ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी रामनवमी तक सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। और इन सब के बीच पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उन्हें दावा पेश करने के लिए बुलाया जाए। प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी यूनियन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, और इससे पहले हरीश रावत के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी नेता रामनवमी तक लगातार सरकार बनाने के दावे किए जा रहे हैं, जो उनके 28 विधायक वाली सबसे बड़ी पार्टी के दावे को कमजोर कर रही है। सोनू सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे जो सियासत में जो यहां रस्साकसी चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इन सब के बीच केंद्र सरकार को आज दलीलें पेश करनी थी, क्या दलीलें उन्होंने पेश की, आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए आशुतोष, साफ तौर पर जो केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें रखी गई हैं वो यही है कि वो चाहते हैं कि उनको कुछ वक्त दिया जाए और जो नई जो तर्क एक तरीके से जो अपने एफिडेविट में विपक्षियों के द्वारा यानी कांग्रेस की तरफ से रखे गए हैं उन तर्कों के लिए उनको थोड़ा समय चाहिए, समय उन्होंने मांगा था। तो 12 तारीख तक अब उनको एक एफिडेविट दाखिल करना है और उसके बाद फिर आगे 18 तारीख को अब इसमें कोर्ट में सुनवाई होगी। तो ये कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां कोर्ट में कानूनी दांव पेंच में जीत हासिल करने की कोशिश दोनों ही पक्षों की तरफ से की जा रही है, अपने अपने तर्क रखे जा रहे हैं, अपने अपने प्रमाण रखे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बाहर कोर्ट के जो सियासी हलके हैं वहां पर नेताओं के द्वारा बयानबाजी की जा रही है। जिस तरह से चर्चाएं चल रही कि बीजेपी ये कह रही है कि जो रामनवमी तक वो सरकार बना सकते हैं, और दूसरी तरफ हरीश रावत की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दायर किया गया उनके अधिवक्ताओं के द्वारा जिसमें बात कही गई है कि वो लार्जेस्ट पार्टी उत्तराखंड की इस वक्त है और उनको न्योता दिया जाए। तो तमाम तरीके के तर्क वितर्क अभी चल रहे हैं, पूरा का पूरा मामला कानूनी दांव पेच में फंसकर रह गया। अब देखना होगा कि 18 तारीख को आखिरकार जो निर्णय है वो कोर्ट का क्या आएगा। बिल्कुल, इस घटनाक्रम पर आप नजर बनाए रखिए। सोनू, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। उधर कांग्रेस के बागी विधायक उमेश शर्मा ने हरीश रावत पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि अपने क्षेत्र में विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अच्छे अधिकारियों को रोकने की कोशिश की, जिसके लिए 15 लाख रुपए उन्होंने हरीश रावत के करीबी रणजीत रावत को दिए। और उमेश शर्मा ने रावत के करीबी रणजीत सिंह रावत पर विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। और उमेश शर्मा ने कहा कि हरीश रावत उन पर रायपुर सीट छोड़कर गढ़ी कैंट से चुनाव लड़ने का दबाव बना रहे थे। उमेश शर्मा ने कहा कि अवैध खनन, शराब नीति और गलत कार्यों का घड़ा फोड़कर खुशी महसूस कर रहे हैं। रणजीत सिंह रावत को उन्होंने सुपर सीएम भी बताया। उमेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। उमेश जी, आप जो अलग खड़े हुए हैं इसकी वजह क्या रही है? ये लगभग एक साल से हम लोग सरकार से असंतुष्ट थे, मतलब जो हमारी पीड़ा थी उसको कोई सुन नहीं रहा था। मुख्यमंत्री जी से बार बार हमने कहा कि मुख्यमंत्री जी आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके 7 लोग हैं जो फोर्थ फ्लोर पर सुपर सीएम के रूप में कई लोग काम कर रहे हैं उनके चुगल में आप ऐसे फंस गए हैं कि अब इससे निकलना, चाहे वो खनन माफिया कहें, चाहे आप उसको आबकारी माफिया कह लें, चाहे ट्रांसफ़र पोस्टिंग, मतलब यहाँ थाने चौकियाँ इतना बुरा हाल हो गया था कि हम अपने अधिकारियों को जिन जो रायपुर को मॉडल बताया जाता है उत्तराखंड में कि सबसे ज़्यादा विकास रायपुर, यहाँ के अधिकारियों को मुझे बचाने के लिए दलाल का काम मेरे को करना पड़े, जाके पैसा तक मुझे देना पड़ा रंजीत रावत को, तो ये कब तक चलता? एक ना एक दिन पाप का घड़ा तो भरना था। तो ये पीड़ा लगातार, मैंने तो 14 दिसंबर 2015 को रिजाइन भी किया था, लिख के किया था कि आपके कुछ अधिकारी और आपके सहयोगी निश्चित रूप से इतने हम लोगों को मतलब दुर्व्यवहार करते हैं, हमारे साथ प्रताड़ित करते हैं, जो अच्छे अधिकारी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, उनको वो प्रताड़ित करने का काम करते हैं, आप उन पर नकेल लगाएं। उन्होंने कहा था मैं करूँगा, लेकिन तब भी अब तक नहीं कर पाए। हमने हाईकमान से लगातार बताया, अंबिका सोनी से मेरी बार मतलब 10 बार बात हुई, मैंने 10 बार बताया कि, और 17 तारीख को तो मैंने यहाँ तक कहा कि अब आपकी सरकार 2 दिन की मेहमान है। मैंने हरीश रावत जी से मैंने 16 तारीख को रात को 17 की रात को भी कहा मैं कल आपकी सरकार जा रही है, जो करना चाहो आप, अभी भी समय है, अपने आप को बदलो, अपने ही कोई योजना सेंक्शन करानी होती उसके लिए भी एडवांस पैसा जाके वहाँ देना पड़ता था। मैं अपने एक्सीएन को रोकने के लिए ही 15 लाख रुपया दे के आया हूँ रणजीत रावत को, इससे बड़ा एक विधायक के लिए दुर्भाग्य क्या होगा। तब भी उसका ट्रांसफर किया, वो सस्पेंड किया। मुख्यमंत्री जी कई आर्थिक सहायताएं हमने दी, लोग किसी का एक्सीडेंट हो गया किसी गरीब का तो वहाँ मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख दिया सेंक्शन स्वीकृत 1 लाख, तो वहाँ 5,000 गया या 2,000 गया। इस तरह के बहुत केस हैं। मैंने किशोर उपाध्याय जी से भी कहा, जो सिंह बिस से भी बताया कि कुछ लोग मेरे क्षेत्रों में जाके प्रचार कर रहे हैं कि इस बार विधायक जी को गढ़ी कैंट लड़ाया जाएगा। मैंने ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये भी एक कारण था मेरी नाराजगी का। वजह मेन कार्यप्रणाली थी सरकार की,
हम सरकार से नाराज थे और सरकार के मैंने बताया भी, सरकार में वो जो सुपर सीएम के रूप में काम कर रहे थे उन लोगों से हम नाराज थे। पार्क बन रहा था, अभी जाएंगे वो काम देखना, रुका पड़ा होगा। और मतलब जितने भी विकास के काम चल रहे थे सारे रुकवा दिए गए। कल ही अखबार में छपी थी कि 10 करोड़ रुपया रोज का खनन का पैसा आ रहा है। पहले उधर अगली खबर की बात करें तो पनामा पेपर लीक्स मामले में बिग बी का नाम आने के बाद उनकी मुखालफत बढ़ती ही जा रही है और इस मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन के सभी सरकारी पदों से उनको हटाने की मांग उठाई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता राधाकृष्ण विखे ने यह मांग उठाई है और इससे पहले अमिताभ बच्चन IFSC की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में वो बतौर सदस्य शामिल हैं और बैठक महाराष्ट्र के सीएम की अध्यक्षता में हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए एहसान अब्बास हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। एहसान, जानना चाहेंगे जब से बीबी का नाम सामने आया है उनके खिलाफत बढ़ती ही जा रही है, क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में इस वक्त उनको लेकर? देखिए, पनामा जिस तरह से पनामा मामले में अमिताभ बच्चन का नाम है उसे लेकर अब कांग्रेस महाराष्ट्र में काफी जो आक्रामक हो गया। आज विधानसभा सत्र में नेता प्रतिपक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल ने मांग की कि अमिताभ के मामले में जांच हो और जांच में जब तक वो क्लीन चिट उन्हें न मिले, जो भी सरकारी जो कमेटियों में सरकारी पदों पर हैं उनसे उनका अमिताभ का नाम हटाए सरकार। इस बीच महाराष्ट्र सरकार की एक उच्च स्तरीय बैठक में खुद अमिताभ बच्चन आए थे। इस मामले में जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री से बात की गई तो उन्होंने भी किनारा कशी की और कहा कि अभी जो जिस मामले पर बैठक है उसी पर ही चर्चा हो तो ठीक है। इस तरह से अब सरकार घिर रही है अमिताभ बच्चन को लेकर महाराष्ट्र में। शुक्रिया एहसान इस जानकारी के लिए आपका। तो पनामा पेपर लीक्स मामले में बिग बी का नाम सामने आने के बाद उनकी मुखालफत बढ़ती जा रही है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में इतना ही।